जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। मीडिया विभाग की बड़ी बैठक है। प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा भी शामिल हैं। इस बैठक में करीब 25 पदाधिकारी शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मिशन 2023 की तैयारी में पूरी तरह से बीजेपी जुट गई है, अब मीडिया विभाग की बड़ी बैठक हो रही है, कितनी खास और क्या कुछ रहेगा? रितु, देखिए भाजपा की पिछले कल और आज दो दिन से लगातार मंथन का दौर चल रहा है। मिशन 2023 की रणनीति को लेकर काम चल रहा है। अभी मीडिया विभाग की बैठक अभी ही खत्म हुई है। उस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं, जिन्हें यहां पर प्रभारी बनाया गया, वो थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इसके अलावा अश्विनी वैष्णव। ये तीनों केंद्रीय मंत्रियों ने इस बैठक को लिया है और इसमें मीडिया जो विभाग है, इन सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भोपाल में भाषण देकर गए थे और उन्होंने जो तीन तलाक जैसे मुद्दों को लेकर कहा था, इसके अलावा यूसीसी जो कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा था, इस तरह के जो तमाम मुद्दे, उनको जनता के बीच ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि हमें किस तरह से, और कांग्रेस कभी भी कोई अगर आरोप लगाती है या कांग्रेस किसी तरह का विवाद खड़ा करती है तो उस पर जवाबी हमले देना है, और जवाबी हमले पे करते हुए मौके पर जवाब देना है। इस तरह के सभी अहम निर्देश दिए गए हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। स्कूल में पिटाई के बाद अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई है। होमवर्क न करने की बात पर टीचर पर पिटाई का आरोप लगा है। आज सुबह बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई। 12 साल के बच्चे कृष्णा चौहान की इलाज के दौरान मौत हो गई। फोर्ट व्यू स्कूल में 8वीं क्लास का छात्र था कृष्णा। 12 जुलाई को बच्चे के साथ मारपीट हुई थी। परिजन बहोड़ापुर पुलिस ने जांच के लिए बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है कि इस तरह से अब शिक्षक हो चुके हैं कि बच्चों के साथ इस तरह मारपीट करते हैं कि उनकी जान पर बनाती है, और जान पर बन के आना, जान ही चली गई मासूम बच्चे की। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में ये एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 8वीं क्लास का 12 साल का बच्चा कृष्णा चौहान, जिसे 12 जुलाई को स्कूल में होमवर्क ना करने के चलते टीचरों ने पीटा था, ऐसा उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया है। और टीचरों ने जब 12 जुलाई को उसको पीटा था, बच्चा जब घर पहुंचा था तो उसके एक हाथ और पैर में दिक्कत थी, और यही वजह है कि उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ बच्चा दहशत में होने के चलते उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया परिवार वालों द्वारा। उसके साथ ही जो फोर्ट स्कूल के संचालक है उनको भी खबर दी गई थी। उसके बाद बच्चे की ज़्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे की MRI कराई गई थी, परिवार वालों का एक ऐसा कहना है। और MRI में बच्चे की नस फटने की बात सामने आई थी और उसके लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था। तमाम इलाज की प्रक्रियाएं चली रही थी और उसके बाद जब उसकी हालत गंभीर हुई तो कल उसे ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया था, जहां आज सुबह इस मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। और इस मौत के बाद परिवार वालों ने सीधा सा आरोप लगाया है कि जो स्कूल के टीचर है, उनकी पिटाई के चलते बच्चे का एक हाथ और पैर सुन्न हो गया था, उसके दिमाग की नस फट गई दहशत की वजह से, और यही वजह उसकी मौत की वजह बनी है। तो पुलिस ने अब परिवार वालों के बयानों के आधार पर इस मामले में एक लिखित शिकायत प्राप्त की है, और उसके साथ ही बच्चे की मौत की जांच के लिए उसके शव को PM रवाना किया गया है, जहां उसका PM किया जाएगा। PM रिपोर्ट और बच्चे की जो MRI रिपोर्ट थी, PM रिपोर्ट MRI रिपोर्ट के साथ ही बच्चे के जो क्लास में पढ़ने वाले अन्य बच्चे हैं उनके भी बयान जो है पुलिस इस मामले में दर्ज करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक विभत्स घटना अगर देखी जाए तो 12 साल का मासूम बच्चा, इस तरह से उसकी मौत होना, कहीं ना कहीं परिवार वालों का जो आरोप है कि बच्चा दहशत में था और दहशत के चलते ही उसके दिमाग की
नस फट गई और यही उसकी मौत की वजह बनी है। तो अब देखना यही है कि संभवतः कल तक इसमें बच्चे की मौत की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आएगी, उस शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर ये खुलासा होगा कि बच्चे की मौत की एक्चुअल वजह क्या है और उस वजह के पीछे क्या कारण रहे हैं, क्या वाकई में टीचरों की पिटाई इस कदर थी कि उसका हाथ और पैर दोनों सुन्न हो गए थे और उसी के चलते इसकी मौत हुई। तो ये तमाम जांच के जो बिंदु हैं पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेगी और संभवतः शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद इस बच्चे की मौत की जो वजह है वो भी सामने आएगी और पुलिस इसमें जाँच को आगे बढ़ाएगी। जी देखिए, जांच तो होगी ही होगी सुशील, बाकी देखने वाली बात होगी कि आखिर कार्रवाई किस तरह की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। उज्जैन से बड़ी खबर है, शासकीय स्कूल में छात्रों की पिटाई का यह मामला है। प्रभारी हेडमास्टर ने छात्रों को छड़ी से पीटा। माध्यमिक कक्षा के छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। हेडमास्टर ने छात्राओं की भी पिटाई की है। अनुशासन बनाने के लिए थोड़ी सख्ती दिखाई, सख्ती जरूरी है, ऐसा कहना हेडमास्टर का। शासकीय स्कूल गोठड़ा का ये मामला आपको बता रहे हैं। मुरैना से बड़ी खबर है, महिला सुधार गृह से चार बच्चियां लापता हुई हैं। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव का ये मामला है। लापता हुई बच्चियों में बांग्लादेश निवासी भी शामिल है। तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो मुरैना से ये खबर आपको बता रहे हैं, महिला सुधार गृह से चार बच्चियां लापता हुई हैं। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव का ये मामला है। लापता हुई बच्चियों में बांग्लादेश निवासी भी शामिल है। तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, महिला सुधार गृह से चार बच्चियां लापता हुई हैं, क्या ज्यादा जानकारी है, कब लापता हुई, कैसे और क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए रितु, आपको बता दूं कि ये चार बच्चियां हैं जिनमें से तीन नाबालिग हैं और एक बालिक बच्ची है। ये सभी जो बड़ोखर स्थित महिला सुधार गृह है उसमें पिछले कई महीनों से रह रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बच्ची है नाबालिग, वो बांग्लादेश निवासी है, दूसरी बच्ची है वो शिवपुरी निवासी है और एक नाबालिग और एक बालिक बच्ची है वो मुरैना निवासी है। तो ये बीते अभी तक इन बच्चियों का सुराग नहीं लग पाया है और बताया जा रहा है कि इन बच्चियों ने वहां से भाग करके ट्रेन के माध्यम से कहीं अन्य भोपाल एक्सप्रेस सहित कई तमाम ट्रेनें जाती हैं, उन ट्रेनों का सफर किया है, लेकिन अभी तक ये ऑथेंटिक पुष्टि नहीं मिल पाई है। ये चर्चाएं बताया जा रहा है कि पुलिस और महिला सुधार गृह की टीम है, उन्हीं के द्वारा इस तरीके की जानकारी दी जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस और महिला सुधार गृह की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक इन बच्चियों का सुराग नहीं लगा पाई है। खास बात यह भी है कि एक पहले भी इसी तरीके की घटना होती है और उस दौरान भी तीन बच्चियां लापता होती हैं, लेकिन बार बार इस तरीके से बच्चियां लापता होना, या फिर कुछ दिन पहले की बात की जाए कि जो आपराधिक बच्चे रहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनकी भी सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि वहां से भी आठ बच्चे लापता हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले मुरैना में सामने आते रहते हैं और आज फिर देखा गया है कि देर रात को चार बच्चियां हैं जिनमें तीन नाबालिग है, एक बालिक बच्ची है, लापता हो गई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। इंदौर में धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया। 8 साल के मासूम बच्चे का धर्मांतरण के लिए खतना किया गया। इलियास कुरैशी नाम के शख्स पर आरोप है। पीड़ित पिता ने आरोपी इलियास कुरैशी पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। जैन समाज का पीड़ित परिवार बताया जा रहा है।